नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको पठन करके बता रही हूं करवा चौथ की कहानी। करवा चौथ की कहानी आप ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक साहूकार के साथ बेटे और एक बेटी थी। सेठानी, सातों बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया इन सब ने। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला, तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तभी खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर उसको लेकर चढ़ गया। दिया जलाकर चालनी से ढककर कहा कि बहन चांद उग गया है, अर्घ्य दे दो और खाना खा लो। तब बहन ने भाभियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। तब भाभी बोली, बाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए ही उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठी, पहले कौर में बाल आ गया, दूसरा कौर जब खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि जवाई राजा बहुत बीमार हैं, तो जल्द बहू को जल्दी से भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला तो तीन बार ही कभी सफ़ेद, कभी काला और कभी नीला कपड़ा हाथ में आया। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना और जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष देवे उसको ये सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना की आशीष देती गई। किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी उस लड़की को। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचते ही पलने पर सोती हुई जेठूती झूल रही थी, उसे पैर छूने लगी तो वह बोली, सील हो सपुती, सात पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते हुए उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा हुआ पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं जाने दिया और बोली कि मेरे लिए एक अलग से झोंपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर वो रहने लगी। रोज़ सासू बची खुची ठंडी बासी दासी के हाथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी देगा। थोड़े दिन बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। तब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी वैशाखी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह वैशाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादोड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी तो वहीं सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वह ही नाराज हुई है, इसलिए तो उनके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग को अमर कर सकती हैं। यदि तूने उनके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, धनी बुकानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए, वह विलाप करने लगी, चौथ माता मेरा सुहाग तो तेरा व्रत भंग करने के कारण उजड़ा है, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो माँ। तब चौथ माता बोली, पापिनी हत्यारिणी, मेरा पैर क्यों पकड़ कर बैठी है, मेरा पैर छोड़। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको ही बनानी है, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और आपको सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और बोली, आँखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, बिंदी में से रोली निकाली और सबसे छोटी उंगली से उसके मरे हुए पति पर छींटे डाले, और छींटे जैसे ही उन्होंने छींटे डाले तो उनका जो पति है वो छींटे डालते ही उनका पति बैठा हो गया और बोलने लगा कि मुझे बहुत नींद आई। तब वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उजमन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने दो जने के बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू वह बेटा दोनों जीम रहे हैं, वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि ये कैसे हुआ। बहू बोली, ये सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है, और सासू जी के पैर छूने लगी। और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी, लेकिन बोली, पूरे नगरवासियों को ये बात कैसे सच लगेगी। तब बहू बोली, यदि उल्टा करवा फेर देंगे तो यह वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देने से वापस जीवित ही रहेंगे। तब पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई देखने आवे। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया
और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी बेटे की माँ सभी को करना चाहिए, 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग उजाड़ा वैसा किसी का नहीं उजाड़ना, और जैसा वापस उसका पति जीवित किया वैसा सभी का करना। कहने सुनने वालों को, हुकारा भरने वालों को, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी, चौथ माता की सदा ही जय।